ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान की राजनीति में प्रतिदिन सियासी घटनाक्रम तेजी से हिचकोले खा रहा है। विराट नगर विधायक इंद्राज गुजर के बाद अब किसी समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हर वक्त विरोध करने वाले सचिन पायलट के कट्टर समर्थक टोडा ढीम विधायक पी आर मीणा के शनिवार को अचानक सुर बदल गए। पी आर मीणा ने एक लिखित बयान जारी कर जहां भाजपा पर जमकर निशाने साधे, तो वहीं सीएम अशोक गहलोत की तारीफ में भी जमकर कशीदे गड़े। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी कम्युनिकेशन नकुल शर्मा द्वारा यह प्रेस विज्ञप्ति मीडिया में शेयर की गई है। हालांकि मामले के मीडिया में उछलने के बाद पी आर मीणा ने भी इंद्राज गुजर की तरह ही दो टुक कहा कि मैं सचिन पायलट के साथ था, साथ हूँ और साथ रहूंगा। शनिवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए पी आर मीणा ने कहा कि मैंने जो मांगा उससे भी ज्यादा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मेरे क्षेत्र टोडा भीम को दिया है। कोरोना की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद ऐसा शानदार बजट पेश किया जिसकी देश भर में तारीफ हुई है। किसी भी मुख्यमंत्री के बजट की ऐसी प्रशंसा नहीं हुई जैसी सराहना राजस्थान के बजट की हुई है। ऐसा बजट मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है। बजट में मेरे क्षेत्र सहित हर वर्ग का और हर क्षेत्र का ख्याल रखा गया है। पी आर मीणा ने आगे कहा कि केंद्र सरकार के भेदभाव और असहयोग के बावजूद समित संसाधन होने के बाद भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान में कोरोना का बेहतरीन प्रबंध किया गया है। कोरोना के दौरान गहलोत ने कोई भूखा न सोए के संकल्प को पूरा किया, किसी को भूखा नहीं सोने दिया। महामारी के पूरे समय में कोरोना मैनेजमेंट के साथ साथ विकास कामों को भी नहीं रुकने दिया और स्वास्थ्य सेवाओं को भी लगातार मजबूत किया है। पी आर मीणा ने आगे कहा कि कोरोना प्रबंध में राजस्थान मॉडल बनकर उभरा है और राजस्थान वैक्सीनेशन में भी अग्रणी ही रहा है। 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों का फ्री वैक्सीनेशन राज्य सरकार खुद करवा रही है। पूरे देश में भारत सरकार से फ्री वैक्सीनेशन की मांग की जा रही है, लेकिन दुर्भाग्य से केंद्र सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। पी आर मीणा ने नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के बयान पर भी निशाना साधा और कहा कि भाजपा पहले अपना घर संभाले, फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार व संगठन के बारे में टिप्पणी करे। कांग्रेस पार्टी का इतिहास 100 साल से अधिक पुराना है, इसलिए बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। भाजपा में इतनी अंतर्कलह है जिसकी कोई सीमा नहीं है। खुद कटारिया पर राजसंबंध सीट हारने के आरोप लगे हैं। इसके अलावा भी भाजपा के 5-5 लोग मुख्यमंत्री बनने के सपने संजो कर घूम रहे हैं। ये लोग कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं जबकि इन्हें पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। पी आर मीणा ने कहा, हमारी पार्टी एकजुट थी, एकजुट है और एकजुट रहेगी। मेरी पूरी गारंटी है प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी और यदि मोदी जी का यही हाल रहा तो देश में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। सीएम के पीआर सेल से पीआर मीणा का लिखित बयान जारी होने के बाद सियासी हलकों में इसे उनके यूटर्न लेने और खेमा बदलने से जोड़कर देखा गया। पीआर मीणा ने कहा, मैं सचिन पायलट के साथ था, हूँ और रहूंगा। बजट और मुख्यमंत्री की तारीफ के दूसरे अर्थ न निकाले। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।